हमसे पूछते हैं कि लड़कियां तो खाना बनाती हैं, आप कैसे इसको कर गई? प्लास पेचकस पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं। गांव के जीवन में क्या, जब पता नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो बस ऐसे घर पर घर का जो काम है लेकर बैठे रहो, दिन भर बोर हो। आपने जो घर अभी किया है आपका, तो वो देखने के लिए आया नहीं कोई? अभी तो कोई नहीं है, वो खफा है हमसे काफी ज्यादा। मेरे पापा बिल्कुल, मतलब जिसको बोलते हैं ना, उन लोग का यही गाना है कि लड़कियां हैं घर पे रहे। लेकिन हम इस विचार को बदलना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं कि हम लड़कियां हैं बट लड़कों की तुलना में आ सकते हैं। हमें अच्छा लगा काफी, यहाँ पे लाइव वगैरह भी देखी, तो हमें लगा कि कुछ हमें यहाँ भी हुनर मिल सकता है और शायद अपने लिए कुछ कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात तो हमारे लिए ही है कि यहाँ के टीचर लोग, जितने भी थे ट्रेनर लोग थे, बहुत सारी मतलब हेल्प करते थे, उत्साह देते थे कि आप बेटा अच्छा करोगे, आप अच्छा कर रही हैं, ये हमें कभी नहीं भूलेगा। और यहाँ पे हम पढ़ाई के साथ साथ अन्य बाहरी चीज़ों को भी हम ग्रहण किए हैं। यहाँ पे गांव से जब मैं यहाँ आई पढ़ी, तब तक तो ठीक था, लेकिन जब हमें पता लगा कि हम लोग, जब हमें ये हुआ कि प्लेसमेंट पे जाना है, तब तो बहुत डर लग रहा था। पता नहीं वहाँ पे हम इंटरव्यू पास होंगे कि नहीं होंगे, हमें जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हमारे जैसे और भी लोग हैं जो दिक्कतें झेल रही हैं, हमें नहीं लगता कि उन लोगों को घर रहना चाहिए, उन लोगों को भी आना चाहिए और अपने अंदर हिम्मत रखना चाहिए। इसलिए इस कोर्स को चुना ताकि आगे भी जब भी कहीं कोई जरूरत पड़े तो मुझे नॉलेज हो इस चीज के बारे में, पीछे ना रहे। अपने को प्रूव तो करनी है कि हाँ हम गलत नहीं है। इन लड़कियों को जितना बंधक में रखी जाती है, उन लड़कियों को सांस लेने को तो मिले। ये मत सोचे कि हम लड़की हैं फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। आजकल लड़कियां तो कुछ भी कर रही हैं, हवाई जहाज उड़ा रही हैं, तो ये कुछ नहीं है इलेक्ट्रीशियन का कोर्स। कि जो अपने दिल की इच्छा ना वो करो, आगे बढ़ो, तब तो वो प्रोग्रेस करेंगी, तब तो देश आगे बढ़ेगा।